हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में जिसका नाम है पर्पल हार्ट। इसकी ये पर्पल कलर की पत्तियों के कारण ही इसे पर्पल हार्ट कहते हैं। देखिए, इसमें बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। छोटे छोटे हैं पर डार्क कलर की पत्तियों के साथ में ये लाइट कलर के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है। किसी भी सीजन में हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। इसकी ये देखिए लटकती हुई ब्रांचेज हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए, इसकी ये ब्रांच देखिए कितनी लंबी हो गई है। 1.5 से 2 फीट तक लंबी ब्रांच हो जाती हैं और यदि हम इसे ज़मीन में लगाएं तो और भी लंबी लंबी इसकी ब्रांच हो जाती हैं। मैंने इसे काफ़ी सारे पॉट में लगा कर रखा है क्योंकि ये लगता ही बहुत खूबसूरत है। इसे लगाने के लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। पॉट गहरा ज़्यादा ना हो पर थोड़ा चौड़ा हो तो अधिक अच्छा है। इसे फैलने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। छोटे से छोटे पॉट में भी ये लग जाता है। देखिए, ये 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये इस हैंगिंग पॉट में। सॉइल की बात करें तो इसके लिए ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें पानी ना भरा रहे। तो मैंने इस प्लांट को लगाने के लिए 1 भाग सॉइल, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग सैंड ली है। इस तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाने से साल भर फिर हमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए भी नहीं होता है, पर आप चाहें तो 6 महीने में एक बार कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं तो नहीं देती हूँ, साल में एक बार फरवरी मंथ में ही मैं इसे वर्मी कंपोस्ट दे देती हूँ। पानी की इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसके स्टेम में देखिए पानी स्टोर रहता है। ये देखिए पानी दिख रहा है आपको, ये पानी जैसा इसमें से निकल रहा है। और इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी मोटी और रोए वाली होती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बारिश में तो बिल्कुल भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। विंटर में आप 4-5 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं और गर्मियों में 2 दिन में 3 दिन में एक बार ही इसे पानी देना है। ये सूखे की स्थिति को सहन कर लेता है। यदि आप इसे 1-2 महीने पानी नहीं भी देंगे तो भी ये प्लांट मरेगा नहीं। जब भी आप पानी देंगे उसके बाद इसमें फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब बात आती है सनलाइट की। सनलाइट को लेकर काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन है कि इस प्लांट को इंडोर रखें या आउटडोर रखें, डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ। इसे इंडोर आप रख सकते हैं, पर ऐसी जगह रखें जहां इसे अच्छी ब्राइट लाइट मिले या छन कर हल्की धूप इसको मिल जाए। सनलाइट ना मिलने पर इसका जो पर्पल कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा और देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, इसकी सुंदरता कम हो जाएगी। और आउटडोर आप ऐसी जगह रखें जहां इसे 2-3 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले, तब इसका कलर अच्छा निखर कर आता है, अच्छा पर्पल कलर हमें देखने को मिलता है। विंटर में आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, बस गर्मियों में इसे दोपहर की तेज़ धूप से हमें बचाना है। गर्मियों में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छे भर भर के इसमें फ्लावर आते हैं और फ्लावर छोटे ज़रूर हैं पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसे घना करने के लिए बार बार इसकी पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत सारे अपने प्लांट निकालता रहता है और पॉट अच्छा भर जाता है पूरी तरह से
और बहुत ही घना हो जाता है अपने आप में। देखिए ब्रांच में से भी न्यू ग्रोथ होती रहती है, पर इसे सुंदर बनाने के लिए जो ये इसकी ब्रांचेस पुरानी हो चुकी हैं और देखिए इनमें अब फ्लावरिंग नहीं होगी, ये यहाँ से ख़राब हो चुके हैं, तो इन्हें हम कट कर देना है। देखिए बहुत ही नाजुक इसका स्टेम होता है, हाथ से ही इसकी शाखाएं जो हैं ये टूट जाती हैं, तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए प्रूनिंग करने के बाद अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटी सी कटिंग से ये आसानी से लग जाता है और इसकी कटिंग आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आपको पार्क में, रोड डिवाइडर में, किसी ऑफिस के गार्डन में, कहीं से भी आप बस एक छोटी सी कटिंग ले आइए और इसे लगा दीजिए। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी ये कटिंग ले ली है, तो बस छोटी सी कटिंग आप ले लीजिए और इसे आप सॉइल में इस तरीके से लगा दीजिए। बड़ी जल्दी लग जाती है इसकी कटिंग, इसकी कटिंग कभी मरती नहीं है। कटिंग तभी ख़राब होगी जब उसमें पानी भरा रहे या फिर पानी बिल्कुल भी ना मिले, ऐसे ही दो स्थितियों में इसकी कटिंग ख़राब होती है, नहीं तो इसकी कटिंग कभी मरती नहीं है। जब तक कटिंग अच्छे से सेट ना हो जाए तो इसको थोड़ा शेड में ही रखिए और सॉइल में मॉइस्चर बना रहे। इस प्लांट को आप पानी में भी लगा सकते हैं, देखिए पानी में भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और काफ़ी लंबे समय तक ये पानी में भी लगा रहता है। ये मेरे पास ये पानी में आप देख रहे हैं ये 6 महीने से इस पॉट में लगा हुआ है और देखिए कितनी अच्छी इसमें ये रूटिंग हुई है और प्लांट भी अच्छा हेल्दी लग रहा है। और इस प्लांट की एक और खासियत है कि इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। ये प्लांट मेरे पास 20-25 साल से है पर मैंने आज तक इसमें किसी भी प्रकार का पेस्ट अटैक वगैरह नहीं देखा है। तो आप ले आइए इस प्लांट की कटिंग कहीं से या फिर नर्सरी से भी आप ये प्लांट ला सकते हैं, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। मैंने तो ख़रीदा नहीं है पर सस्ता ही मिलता है और लगा लीजिए। आपके पास समय नहीं है और आप प्लांट लगाना चाहते हैं तब तो आप ये प्लांट ज़रूर ही लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे से चलता है, लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा देखभाल की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी भी बार बार नहीं देना है, तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नमस्कार।